मैं फिर से जा रहा हूँ संडे की राइड पे, और आप देख सकते हो मैं लिम्बोदी गेट के बाहर आ चुका हूँ, और सामने हमको हमारा प्यारा सा क्वींस कॉलेज दिखाई दे रहा है जहाँ की लड़कियाँ जाती है। और भाई ये कुत्ता कब से पता नहीं मुझे कौन सी नज़र से घूरे जा रहा है। और भी यहाँ पे मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ जो कि मुझे 20 मिनट से यहाँ खड़ा रखा हुआ है और अभी तक आया नहीं है। चलो भाई वेट करते हैं। और फिर भाई हम लोग पहुँच गए भवरकुआं स्क्वायर पर जहाँ पे हम लोग पहले बार आए थे, और भाई वेदांत मुँह मोड़ के खड़ा हुआ है। तो भाई ये भी भवरकुआं स्क्वायर का ही है, पर वो मैंने सीधे बना ली थी तो ये मैंने टेढ़े बनाई है। और भाई आप सुबह सुबह देख सकते हो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है दूर दूर तक, और वेदांत पता नहीं किस सोच में बैठा है। और उसके बाद फिर हम तेज़ हवाओं का मज़ा लेते लेते और आगे तक गए, और भाई फिर हम पहुंच गए टावर चौराहे पर जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर हम लोग मुड़ गए राइट और जा रहे थे सपना संगीता की ओर। तो भाई फिर हम सपना संगीता के लिए निकल पड़े और फिर चलते गए। तो फिर से हम अपनी धूम बाइक भगाते भगाते पहुंच गए महाराजा अग्रसेन चौक पे। भाई तो ये इंदौर का बहुत ही बड़ा एक चौराहा बोल सकते हो आप लोग। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कितनी साफ सफाई है, और भाई हमारे वेदांत भाई भी यहाँ पे फुल टेंशन में खड़े हुए हैं भाई। और भाई फिर हम वहाँ से छावनी को निकल गए, और हमको एक बहुत अजीब सा रेस्टोरेंट मिला जिसके ऊपर बस लगी हुई थी भाई, तो उसका नाम ही बस रेस्टोरेंट था। और फिर हम छावनी की ओर जा रहे थे, और हमको बीच में बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखे। फिर हम पहुँच गए एक बड़े से मॉल के नीचे जहाँ पे हमको दिखा KFC। पर भाई हमारी जेब में से 100 रुपये थे तो हम लोग KFC नहीं खा सकते थे, तो हम सामने की दीवारों पे लगे हुए पोस्टर देखने लग गए। पोस्टर ही ड्राइंग्स है, तो भाई सामने देख सकते हो ऐसा था कि बॉलीवुड में आ चुके हैं भाई कहीं पे। और ये भैया को देखो मस्त भागते भागते अपना जा रहे हैं। और भाई और फिर हम सामने का श्री माया, और भाई फिर हम वापस एक बड़े से मॉल के नीचे पहुंचे जहाँ पे हम दोनों कंफ्यूज हो चुके थे कि कौन सा मॉल है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई सा नाम ही लिखा था। फिर जाके भाई आपके समझदार भाई ने देखा कि वहाँ पे लिखा था सेंट्रल मॉल है, तो फिर हमको मालूम पड़ गया। और भाई फिर वहाँ से निकल कर हम लोग एक फ्लाईओवर के ऊपर पहुँच गए जहाँ पे भाई हम लोग बहुत ज़्यादा मजा आ रहे थे। फिर हम लोगों ने नीचे देखा तो भाई वहाँ पे था रेलवे स्टेशन। तो भाई ट्रेन को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, ट्रेन पुरानी यादें ताज़े हो गई। तो भाई फिर हम लोग जा रहे थे रेलवे स्टेशन की ओर ट्रेन पकड़ने के लिए, और भाई फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे सीधे की तरफ। और भाई हमको पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था ये वेदांत, क्योंकि इस रास्ते पे मैं पहले कभी नहीं आया था। तो वेदांत पता नहीं मुझे कौन से जगह पे लेके जा रहा था। फिर हम लोग पहुँच गए भाई लोहा मंडी, जहाँ पे हमको बहुत सारा लोहा ही लोहा दिखा। तो मैंने सोचा चलो लोहा लेके चलते घर के लिए थोड़ा सा, पर भाई साइकिल में जगह नहीं थी। तो फिर हम पहुँच गए श्री अग्रसेन विद्यालय जहाँ पे हमारे वेदांत भाई पढ़ते हैं। तो वेदांत कैसा लग रहा है? तो भाई इतना सारा घूमने के बाद हम रुके न्यू अग्रवाल स्वीट्स पे कुछ खान पान करने के लिए, जहाँ पे मैंने लिया अपना इंदौरी पोहा, और भाई वेदांत ने भी लिया। तो भाई वेदांत भी मस्त अपना खा रहा है, ओहो चलो बढ़िया। तो भाई फिर मैंने भी ले लिया, फिर मैं अपना मज़ा लेते हुए पूरा खाया। और फिर हम लोग पहुँच गए भाई एक बहुत ही मस्त जगह पे, जो कि भाई हमारे घर से बहुत पास थी। बस जो हम जहाँ से आए वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग था, तो भाई फिर हम लोग थोड़ी और ऑफ रोडिंग करते हुए अपनी हैवी ड्राइवर गिरी दिखाते हुए थोड़ा और आगे तक गए। ओह ओह ओह, और फिर हम लोग आगे गए, और देखो भाई फिर तो भाई आपके भाई ने कमाल ही कर दिया। फिर आपका भाई अपनी साइकिल को चलाते चलाते लेके आ रहा था, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा स्लोप था तो हम लोग उसको ऐसे लेके आ रहे थे। फिर भाई फिर तो मज़े ही आ गए भाई। फिर आप देख सकते हो भाई हम लोग कहाँ आ चुके थे, हम लोग आ चुके थे बिलावली लेक पर। बिलावली लेक हमारे इंदौर की बहुत बड़ी लेक है। और भाई बाकी थोड़ा सी मैंने फास्ट मोशन कर दिया, तो भाई मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा सहन कर लो। और भाई फिर इसके बाद जहाँ पे हम लोग पहुँचे वो था हमारे बिलावली लेक पे, मतलब जहाँ बैठने का ही रहता ना वो। तो भाई फिर आप लोग चेक करो भाई कितना बढ़िया था भाई, यहाँ पे दो अंकल आंटी बैठ के योगा कर रहे थे बिना किसी चीज़ के डरे कि भाई कभी यहाँ से कुछ सांप वाप निकल आए, तो उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं था, और मस्त बैठ कर योगा कर रहे थे। तो भाई देख सकते हो कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से भाई, एकदम नेचर के पास। और भाई फिर देख सकते हो आपका भाई इतना स्मार्ट लग रहा है, और ए है वेदांत भाई ठीक है। और भाई वहाँ थोड़ा बहुत इन्जॉय करने के बाद मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ प्यारे प्यारे शॉट्स लिए, तो आप देख सकते हो। तो भाई उसके बाद मैं मस्त अपना फिर घर पे आ गया, और फिर मैं वही सोच रहा था कि क्या करूं, तो भी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसी वजह से सोचा कि अपन एक्सरसाइज करते हैं।
गाइस मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई भी मतलब धीरे धीरे ब्रो को जब देख सकते सब सो रहे हैं ना, तो भाई अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।